नमस्कार दोस्तों, हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनका एक सवाल होता है कि सर हमको वेरिगोसील है और इस वजह से हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कईयों को थोड़ा पेट के ऊपर की तरफ रहता है, कुछ को कमर की तरफ भी रहता है। तो अक्सर उनकी ये शिकायत रहती है कि सर हमें ये दर्द होता है, आप इस दर्द का सॉल्यूशन हमें बता दीजिए, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऑफिस में आप होते हो, कहीं बाहर होते हो, कई बार घर में भी ये सिचुएशन अक्सर देखने को मिलती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसके ठीक करने की बात करें तो दो तरीके से ठीक होता है। एक होता है परमानेंट ठीक, कि उसके बाद आपका ये दर्द दोबारा आएगा ही नहीं, आपको होगा ही नहीं। तो उसके लिए प्रॉपर आपको एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट क्या होगा या क्या आपके सवाल हैं, जो भी डाउट आपके मन में है उसके बारे में जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन अगर इसी की दूसरी तरफ हम बात करते हैं, सर टेम्परेरी जो हमें ट्रीटमेंट दे दो, मतलब कहीं पे अगर हम हैं और ऐसी सिचुएशन हो गई कि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। और ये दर्द स्पेशली ज़्यादातर पैरों की तरफ ही क्यों होता है, क्यों कहीं और नहीं होता है, क्यों ये ऊपर हाथों में नहीं होता है, या पेट की तरफ कुछ लोगों को होता है, पीठ की तरफ कुछ लोगों को होता है, ऐसा क्यों समझते हैं? देखिए, वेरिकोसील असल में समस्या क्या है आपको पहले ये समझना पड़ेगा। हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो पूरी बॉडी में होता है, और ब्लड का क्या काम है कि हमारे पूरे के पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को काम करने के लिए एक फ्यूल प्रोवाइड करता है। नहीं समझ आया, मैं समझाता हूँ। हमें जब भूख लगती है तो क्यों लगती है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंगों को काम करने के बाद भूख लगती है, और भूख लगने पर जो उनका खाना होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन मिलती रहती है, वो काम करते रहते हैं। तो जब इस तरीके से हमारी बॉडी में काम होता रहता है तो बिल्कुल सारी चीज़ें बढ़िया बनी रहती हैं। लेकिन हमारी बॉडी में एक वेन होती है, एक आर्टरीज होती है। तो वेन्स होती हैं वो हमारे ब्लड को लेकर आती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन निकलने के बाद जो ब्लड है वो वापस ऊपर हार्ट तक लेके जाती है, ताकि वो पंप करके उसमें वापस ऑक्सीजन लेके वो दोबारा आए। इस पूरे प्रोसेस में जो आपकी आर्टरीज और वेन्स आपके टेस्टिकल्स से होकर गुजरती हैं, उनके दो से तीन काम होते हैं। पहला, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। ऑक्सीजन से क्या होगा, आपके टेस्टिकल्स अपने फंक्शन करते हैं और स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा, वहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ताकि जो आपके टेस्टिकल्स हैं उनको वर्क करने का प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिले। जब आपका ही काम हो रहा होता है तो जब वहाँ से ब्लड ऊपर फ्लो हो रहा होता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, आर्टरीज में एक वॉल टाइप होता है। वॉल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक पाइप है, पाइप में से अगर यहाँ से पाइप ऊपर छत की तरफ जा रहा है, अब अगर हम पानी चलाते हैं तो पानी में प्रेशर है तो ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही अगर वो एक सेकंड के लिए रुकेगा तो वापस नीचे आ जाएगा ना। तो हमारी बॉडी में भगवान ने बड़ा शानदार तरीके से चीज़ों को सेट किया है। उन्होंने क्या किया है, हमारी बॉडी के अंदर वॉल लगाए हैं। वॉल क्या होते हैं, जैसे ब्लड ऊपर गया तो वो वॉल ऐसे ऊपर हो गया, तो प्रेशर यहाँ से निकला, उसके बाद वो वॉल बंद हो जाता है। हार्ट बीट होती है ना, धड़कता है रुकता है, धड़कता है रुकता है, तो उसी हिसाब से हमारा ब्लड पंप होता है रुकता है, पंप होता है रुकता है। तो जैसे ही ब्लड ऊपर गया उसके बाद वो रुका, तो रुकने में वो ब्लड नीचे ना आ जाए तो वॉल बंद हो जाता है, जिससे ब्लड वहीं पर रहता है, फिर पुश आता है और ब्लड ऊपर आता है और ऊपर वाला और ऊपर चले जाता है। लेकिन जिसको भी वेरिकोसील की समस्या होती है उसके ये जो वॉल्व होते हैं ये काम करना बंद कर देते हैं, या ये कह लीजिए खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वॉल बंद नहीं होते और वो लूज़ हो जाते हैं। तो ब्लड प्रॉपरली ऊपर जाता नहीं है और वो नीचे की तरफ आपके टेस्टिकल्स की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको नसों के गुच्छे दिखाई देते हैं, नसें मोटी होती हुई दिखाई देती हैं। ये बात समझ आई वेरिकोसील की। जब वो ब्लड इकट्ठा हो रहा होता है और प्रॉपरली ऊपर नहीं जा रहा होता है तो वो जो नस फूलनी शुरू होती है वो नस धीरे धीरे फूलते 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 आपके पैरों तक आ जाती है। और इसीलिए जिनको भी वेरिकोसील है आप देखिएगा, उनकी जो वेन्स हैं वो बिल्कुल अलग से आर्टरीज हरी हरी चमकती हुई पैरों में दिख जाती हैं, फूली हुई मोटी, यस। और वहीं पर पेन होता है। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि वो जो ब्लड था वो प्रॉपर ऊपर नहीं जा पा रहा, जो टेस्टिकल्स के साइड से ऊपर जाना था वो बल्कि नीचे आता जा रहा है। तो जब वो नीचे आ रहा है तो नीचे आने की वजह से पेन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अगर इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक जगह लेट जाइए
और अपने पैरों को दीवार की तरफ ऐसे ऊपर उठा दीजिए। मान लीजिए आप लेट गए, ऐसे लेटने के बाद जो आपके पैर ऐसे सीधे होंगे आप इनको दीवार की तरफ कर दीजिए, तो जो ब्लड नीचे जा रहा था वो नीचे की बजाय वापस ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो जो आपकी वेन्स है उसको रिलैक्स मिलेगा। जैसी वो वेन्स आपकी रिलैक्स होंगी आपको आपके जो पेन है उसमें आराम मिल जाएगा। बात समझ आई? अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि सर अगर हम ऑफिस में हैं तो क्या करें। देखिए अगर आप ऑफिस में हैं तो जनरली हम चेयर पे बैठे होते हैं, आप कहीं ऐसी जगह जाके बैठ जाइए जैसे बैल्कनी हो गई या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आप जो चेयर पे बैठे हैं उसके सामने कोई दीवार या कोई टेबल या एक और चेयर हो, ताकि आपके पैर जो नीचे लटके हुए हैं आप उसको ऊपर उठा के रख दें। जैसे ही आप पैर ऊपर उठा के रखेंगे 3 से 5 मिनट जब आप इस पोजिशन में रहेंगे आपको अपने पेन में काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। बात समझ आई? अब इसके अलावा भी अगर आप पूछते हैं सर और क्या तरीका हो सकता है, तो देखिए टेम्परेरी तरीके की अगर मैं बात करूं तो यही एक टेम्परेरी तरीका है। इसके अलावा आपको उसका एक सही ट्रीटमेंट का चुनाव करना पड़ेगा, और सही ट्रीटमेंट के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हम सब जानते हैं साइड इफ़ेक्ट फ्री होती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेने में सबसे आसान होती हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव और बड़ी जल्दी मिलता है। जल्दी क्यों मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। जो दवाई है वो आप खाते कैसे हैं, छोटी छोटी शुगर बॉल्स होती हैं, जीभ पे रखते हैं, जीभ पे घुल जाती हैं, आपके ब्लड के साथ मिलती हैं और अपना काम करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, बशर्ते आप उसको ट्रीटमेंट को सही तरीके से लेके सिस्टमैटिक वे में शुरू करते हैं या नहीं। अगर लेंगे तो आई प्रॉमिस इसका रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार और वो भी 100% इफेक्टिवली देखने को मिलेगा और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं एलोपैथिक, तो वहाँ पर उसका सबसे जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे शरीर पे। सेकेंड थिंग, वेरी गुड सील में डायरेक्ट डॉक्टर एक ही चीज़ बोल देते हैं, इसका सिर्फ एक ही उपाय है वो है सर्जरी। तो क्या आप चाहते हैं कि जो चीज़ बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है नॉर्मल सी दवाई खा के, आप उसके लिए अपनी बॉडी में चीराफाड़ी करवाना चाहते हैं? चॉइस इज योर्स बिकॉज लाइफ इज योर्स। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको होम्योपैथी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें जिनको आप जानते हैं जिनको वेरिकोसील की समस्या है, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।